अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि बिहार में तेजी से फैलने लगा है कोरोना का संक्रमण। इसी बीच लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने पटना के NMCH अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही NMCH गया को भी कोविड अस्पताल में तब्दील करने का निर्देश दे दिया है। NMCH पटना की क्षमता 150 बेड की है, जबकि NMCH गया की क्षमता 100 बेड की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन पर फैसला 17 अप्रैल की बैठक में होगा। 17 अप्रैल का दिन होगा अहम। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 अप्रैल के दिन को अहम बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक विचार विमर्श कर आगे के निर्णयों पर फैसला लिया जाएगा। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि बिहार में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस पर CM नीतीश कुमार ने साफ कहा कि 17 अप्रैल की बैठक में यह भी तय होगा कि बिहार में कोरोना को की रोकथाम के लिए अब कौन से अहम कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने माना कि बिहार में संक्रमण दर तेज है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को ज़रूरी मानते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर लगातार काम कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया तक पर देख रहे हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।